मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर मंडरा रहा है खतरा। सीएम पद छोड़ने की बात से खेल रहे हैं इमोशनल कार्ड। राजस्थान की जनता परेशान, बेटियों के साथ बुरा बर्ताव। मुख्यमंत्री का सीएम पद छोड़ने वाला बयान, राजनीति का सोचा समझा परिणाम। सरकार रिपीट नहीं हुई तो खत्म हो जाएगा अशोक गहलोत का अस्तित्व। पायलट कैंप करेगा चुनौती पेश। बिना सीएम के राजस्थान का चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। चार दिन में दो बार सीएम पद छोड़ने वाला इमोशनल कार्ड खेला। जनता को भ्रमित करने वाला ये राजनीति कर दे रहा है बेटियों को असुरक्षित। जी हाँ, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक सप्ताह में दो बार मुख्यमंत्री पद छोड़ने की बात कही है। राजनीतिक विश्लेषक गहलोत के बयान को सोची समझी रणनीति का हिस्सा बता रहे हैं। विश्लेषकों का तर्क है कि चुनाव से पहले गहलोत का इस तरह का बयान देना उनकी मजबूरी है। गहलोत अच्छी तरह से जानते हैं कि चुनाव के बाद यदि सरकार रिपीट होती है तो एक बार फिर पायलट कैंप चुनौती पेश करेगा। ऐसे में चुनाव से पहले गहलोत सियासी मैसेज देने चाहते हैं ताकि पब्लिक की सहानुभूति मिल सके। गहलोत कह चुके हैं कि वो जो कुछ भी बोलते हैं वो सोच समझ कर बोलते हैं। ऐसे में उनके बयान को सियासी मायना माना जा रहा है। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस पार्टी बिना सीएम फेस के चुनाव लड़ रही है। संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल कह चुके हैं कि कांग्रेस चुनाव में सीएम फेस घोषित नहीं करती, सामूहिकता से निर्णय लिया जाता है। सियासी जानकारों का कहना है कि सीएम अशोक गहलोत खुद को सत्ता का स्वाभाविक उत्तराधिकारी मानते हैं। ऐसे में ये सवाल खड़ा होता है कि गहलोत किस रणनीति के तहत त्याग के मूड में दिख रहे हैं, मुख्यमंत्री पद का दावा नहीं कर रहे हैं। सीएम गहलोत का ये जज्बाती फैसला नहीं, रणनीति के तहत ये बयान दे रहे हैं। सरकार रिपीट नहीं होती है तो अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा, क्योंकि तीन बार सत्ता में रहते हुए चुनाव हारने का ठप्पा गहलोत पर लगेगा। ऐसे में पायलट कैंप एक बार फिर से गहलोत के खिलाफ मोर्चा खोल सकता है। उल्लेखनीय है कि सोमवार 7 अगस्त को फिर से दोहराया कि मैं सीएम पद छोड़ना चाहता हूं। सीएम ने कहा, कई बार सोचता हूं कि सीएम पद छोड़ दूं, लेकिन सीएम का पद मुझे छोड़ता नहीं। आलाकमान जो फैसला करे वो मुझे मंजूर है। इससे पहले 3 अगस्त को सीएम गहलोत ने भी यही बात दोहराई थी। सीएम गहलोत ने 4 दिन बाद फिर मुख्यमंत्री पद छोड़ने की बात कही है। सियासी जानकारों का कहना है कि सीएम गहलोत को शायद ये आभास हो गया है कि बतौर मुख्यमंत्री ये उनकी अंतिम पारी है, क्योंकि सीएम गहलोत 70 प्लस चल रहे हैं। ऐसे में सीएम जानबूझकर मुख्यमंत्री का पद छोड़ने की बात कह रहे हैं। कांग्रेस आलाकमान पर दबाव बना रहे हैं। सीएम गहलोत का यह भी कहना है कि वो राजस्थान छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले, जबकि सचिन पायलट भी यही बात कह रहे हैं। ऐसे में पार्टी आलाकमान के सामने बड़ी चुनौती गहलोत और सचिन को साधने की है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव 2023 के अंत में है। सीएम गहलोत का दावा है कि उनकी सरकार रिपीट होगी। सीएम गहलोत का कहना है कि सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं का फायदा मिलेगा। फ्री इलाज से चेक 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने की योजना का लाभ मिलेगा। सियासी जानकारों का कहना है कि राजस्थान में हर 5 साल बाद सरकार बदलने का ट्रेंड रहा है। 1993 के बाद राजस्थान में कभी सरकार रिपीट नहीं हुई है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके से विधानसभा चुनाव राजस्थान में होते हैं और कौन सी पार्टी सत्तासीन गद्दी पर बैठती है। वैसे खबर अगर पसंद आई हो, जानकारी पसंद आई हो, तो इसको अधिक से अधिक शेयर करें। बने रहें जेटी न्यूज के साथ।